Assalamu alaikum and good morning students. Welcome back to class 4th EVS. Today we are going to read a new chapter, that is chapter number 25, Spicy Riddles. Students, take out your textbook, page number 199. So, first, yes students, open your textbook, take the pencil with you because you have to write the name of the spices. Now, spicy riddles. Spicy, you know. स्पाइसी मीन्स मसाले, जो मसाले हम यूज करते हैं ना काय में, मम्मी सब्जी बनाने में यूज करती हैं, फिर उसमें यूज करती है मम्मी, हरी सब्जी बनाने में भी यूज होता है, फिर नॉनवेज बनाने में यूज होते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्पाइसेस. अब हम एक एक स्पाइस के बारे में पढ़ेंगे एंड आई विल शो यू द स्पाइस ऑल्सो. मैं आपको लाइव, आपको जो स्पाइस होता है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी भी. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल गो वन बाय वन फॉर द ईच स्पाइस. First one is, I can be powdered fine to make food hot and spicy. If too much of me is added, I make you gasp, she, your eyes and nose begin to water and you cry. Think and tell me, who am I? Tell me quickly, who am I? Now, वॉट ही हियर इट इज गिवन, क्या दिया गया आपको कि मुझे पाउडर्ड किया जाता है, मतलब एकदम बारीक बना दिया जाता है, और मैं खाने को क्या करती हूँ, हॉट मतलब तीखा और स्पाइसी मतलब मसालेदार बनाती हूँ. इट्स टू मच एडेड, अगर मुझे ज्यादा एड कर दोगे सब्जियों में तो क्या होगा, आपको कैसी आवाज निकालनी पड़ेगी, शीशी की आवाज लगानी पड़ेगी, मतलब आपको बहुत मिर्ची लगेगी और आपकी आईज और नोज से क्या होगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा और आप क्या करने लगोगे, रोने लगोगे. तब वो पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हूं मैं. यस यू आर करेक्ट, इट इज अ चिली. यहाँ आप देख सकते हो चिली है, ये खड़ी है, मतलब ये सेंगी जिसको बोला जाता है ना, वो चिली है. इसको क्या बनाया जाता है, इसका पाउडर बनाया जाता है. इधर आपको चिली की स्पेलिंग लिखनी है, CHILLY, चिली. नाउ स्टूडेंट्स नो see one thing, who am I? This can be asked as who am I in the exam. आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि मैं कौन हूँ, तो आपको ये question पूछा जा सकता है exam में. So but you have to write the name of the spices in your textbook with the help of the pencil. Now I will show you the chili. Yes students, see, this is a chili powder. कौन सा powder है ये, मिर्च का powder है. इसका color कौन सा है, रेड कलर का है. पकाई के लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द वेजिटेबल्स, नॉन वेज, चिकन, मटन, देन वेजिटेबल्स ऑल्सो वी आर मेकिंग. सब्जियां भी इससे बनाई जाती हैं और इसको बहुत ज्यादा अगर हम ऐड कर देंगे सब्जियों में तो क्या होगा, बहुत मिर्ची लगती है. ये हमारी सब्जी को टेस्टी भी बनाती है और हॉट भी बनाती है. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ चिली एंड द कलर ऑफ द चिली इज रेड कलर. ओके Yes, the second one is turmeric. Grind me and powder me to make your food look yellow. I am mixed in oil by granny and applied to wounds quickly. I heal all wounds, big and small. That is why I am loved by all. Think and tell me, who am I? Tell me quickly, who am I? ग्राइंड मी मतलब मुझे पीसो और पाउडर बना लो, और मैं आपके खाने को क्या करती हूँ, येलो कलर कर देती हूँ, पीला कर देती हूँ. आई एम मिक्सड इन ऑयल, मेरे को ग्रैनी क्या करती है, ऑयल में मिक्स कर देती है, और कहाँ पे लगाती है, वूंड्स में. वूंड मतलब जो हमें चोट लगती है ना छोटी मोटी, कभी कभी बड़ी चोटों में भी ये काम करती है, मतलब ये छोटे और बड़े कोई भी वूंड्स होते हैं ना, चोट होती है उस पर हील कर देती है, उसको अच्छा कर देती, घाव को अच्छा करती है. दैट इज वाई I am loved by all. इसीलिए सब लोग मुझे पसंद करते हैं. Think and tell me, who am I? सोच के मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ. Quickly, who am I? बताओ मैं कौन हूँ. Here you can see, आप देख सकते हो क्या है ये, टर्मरिक है, ये खड़ी टर्मरिक है, मतलब जो खड़ी वाली हल्दी होती है ना, ये वो है. अब उसको पीस के क्या किया गया, पाउडर बनाया गया है. And it is of which color? It is of yellow color. The name of turmeric is, spelling of turmeric is TURMERIC. Now I will show you the turmeric. Yes, students, see, this is a
टर्मरिक, क्या है ये? ये हल्दी है। कौन सा कलर है इसका? इट इज ऑफ येलो कलर। और इसको हम सब्जियों में डालते हैं तो ये सब्जियों का कलर कौन सा कर देती है? येलो कलर कर देती है। इसको अगर हमें कहीं चोट लगती है ना और हम इसको पानी में गीला करके लगाते हैं तो हमारी चोट भी इससे अच्छी हो जाती है। दिस इज एन एंटीसेप्टिक। इसको क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक बोला जाता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि मम्मी बोलती है, मैं तुमको कहीं आपको चोट लगती है तो मम्मी बोलती है लाओ दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल के दे देती हूँ। तो इट इज अ टर्मरिक यूज टू डू द वर्क ऑफ एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन। एंटीसेप्टिक मेडिसिन के जैसे इसको यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज। ये स्टूडेंट्स, नाउ सी ऑन पेज नंबर 200, द नेक्स्ट वन इज स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल, आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल, आई कैन बी पाउडर्ड कोर्स और फाइन, अ शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज माइन, वेदर इट इज अ सॉल्टी और स्वीट, आई एम एडेड एज अ स्पेशल ट्रीट, थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। नाउ स्मॉल एंड राउंड, मैं कैसा हूँ? छोटा हूँ और राउंड होता हूँ, पर्ल के जैसे, जैसे वो छोटे छोटे डायमंड होते हैं ना वैसे, उसके जैसे दिखता हूँ, मोतियों के जैसे दिखता हूँ मैं। और कौन सा कलर है मेरा? आई एम ब्लैक, मेरा कलर ब्लैक है। और आई एम होल, होल मतलब पूरा होता हूँ मैं, गोल होता हूँ पूरा। और मुझे क्या कर सकते हो? पाउडर्ड भी कर सकते हो, कोर्स और फाइन मतलब दरदरा भी पी सकते हैं और उसको फाइन बिल्कुल पतला पाउडर भी कर सकते हैं। उसका टेस्ट कैसा होता है? शार्प एंड स्पाइसी, शार्प मतलब तीखा और स्पाइसी मतलब मसालेदार होता है उसका टेस्ट होता है। वेदर इट इज सॉल्टी और स्वीट मतलब हम इस चीज को काहे में डालते हैं, मीठी कोई चीज होती है ना, मीठा कोई फ्रूट होता है हम उसमें भी डालते हैं, और कोई सॉल्टी फ्रूट होता है या सब्जी होती है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। आई एम एडेड एज अ स्पेशल ट्रीट, और उसको कैसे यूज किया जाता है? स्पेशल ट्रीट मतलब सब चीज में, मैक्सिमम चीजों में इसको यूज किया जाता है। अब थिंक एंड टेल मी हु एम आई, थिंक करके मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, क्विकली जल्दी बताओ कौन हूँ। यस इट इज अ ब्लैक पेपर, स्पेलिंग इज BLACK ब्लैक, PEPPER ब्लैक पेपर। नाउ हियर यू कैन सी कौन सा कैसा है ये, ब्लैक कलर का है, राउंड शेप में है, इसको हम पाउडर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल शो यू द ब्लैक पेपर, मैं आपको भी दिखाती हूँ ब्लैक पेपर कैसा होता है वो। ये स्टूडेंट सी, दिस इज अ ब्लैक पेपर, अभी आपने टेक्स्ट मैंने आपको बताया था ना इसको, ये देखो आपको दिख रहा है, यू कैन सी हियर, सी दिस इज अ ब्लैक पेपर। कौन सा कैसा शेप है इसका? राउंड शेप में है, देखो आप ये राउंड शेप है। इसको हम क्या करते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर भी बना सकते हैं, और इसको दरदरा मतलब बहुत बारीक भी नहीं पीसते, और इसको काहे में यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज इन द पाइनएप्पल, यू कैन यूज इन द आप क्या बोलते हो, तरबूज में भी ऊपर डाल के हम इसको खा सकते हैं, सलाद में डाल के हम इसको खाते हैं, और उसमें दही में डाल के इसको ऊपर से खा सकते हैं, हम जो चाट खाते हैं बाहर उसमें भी इसको डाल के सब में बनाते हैं, इसीलिए इसको स्पेशल ट्रीट कहा जाता है, मतलब ये मैक्सिमम चीजों में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड, आप देखना इसको किचन में निकाल के, मम्मी किचन में इसको यूज करती है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्पाइस। I am a small and skinny chap. Sometimes I am brown and sometimes black. I add it to hot oil and ghee. I spread my fragrance all around me. When I am roasted, curd and jaljeera are favorite to me. Think and tell me, who am I? Tell me quickly, who am I? Now, what he is saying? I am a small and skinny chap. मतलब बहुत छोटा सा होता है और स्किनी होता है मतलब चिकना होता है ऊपर से, कभी कभी वो ब्राउन कलर का होता है और ब्लैक कलर, दो कलर का होता है। काहे में डाला जाता है? गरम तेल या घी में उसको डाला जाता है, और उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, जो खुशबू होती है ना, वो पूरी तरफ स्प्रेड हो जाती है, मतलब उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि घर में कोई चीज की सब्जी बनाई जा रही है, उसको उसकी बघार लगाई गई है। व्हेन आई एम रोस्टेड, और जब मुझे रोस्ट किया जाता है, भूजा जाता है, और मेरे को काहे में डाला जाता है? कर्ड एंड जलजीरा, दही में और जलजीरा जो सूप जो बनाया जाता है ना उसमें इसको डाला जाता है, और लोग इसको कर्ड में, दही में और जलजीरा में डाल के पीना पसंद करते हैं। थिंक एंड टेल मी, मुझे सोच के बताओ कि मैं कौन हूँ, टेल मी क्विकली, जल्दी बताओ मैं कौन हूँ। दिस इज
क्यूमिन, क्यूमिन। और ये देख सकते हो आप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीरा बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल शो यू। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ, यस नाउ वी हैव रीड अबाउट इट नाउ, सो व्हाट इज दिस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ जीरा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स बोला जाता है। ये काहे के लिए यूज होता है, देखो आप, दिख रहा है आपको, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर का है, ये ब्लैक कलर का भी होता है, और इसको काहे में यूज करते हैं, सब्जी बनाने में मम्मी इसको यूज करती है, और इसको रोस्ट करके मतलब भूंज के इसको दही में और जलजीरा में डाल के इसको पिया जाता है, इससे जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे को सब्जी में काम आता है, और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्पाइस, ये भी एक तरीके का मसाला है। ये स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज, आई लुक लाइक जीरा दो ग्रीन एम आई, टू मेक योर स्टमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई, ईट मी ऑलवेज आफ्टर सम योर मील, आई रिफ्रेश योर माउथ यू श्योरली फील, थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। नाउ आई लुक लाइक जीरा, मैं कैसा दिखता हूँ, जीरा के जैसे दिखता हूँ, और मेरा कलर कौन सा होता है, इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये क्या करता है, हमारे स्टमक को, हमारा जो पेट होता है ना, उसको हेल्दी बनाता है, कोशिश करता है हमारे पेट को हमेशा हेल्दी बनाने की, और हम इसको हमेशा खाने के बाद में खाते हैं, हमारा जब खाना हो जाता है ना उसके बाद हम खाते हैं, और हमारे माउथ को रिफ्रेश करता है, मतलब हमारे अगर मुंह से थोड़ी बहुत किसी भी चीज की स्मेल आती है ना, इसको हम खा लेंगे तो मुंह से उसकी स्मेल नहीं आएगी, और वो हमको रिफ्रेश रखेगा। अब थिंक करके बताना है हमें कि इसको क्या बोलते हैं। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाट इट इज, इट इज अ फेनल, फेनल को हिंदी में क्या बोला जाता है, सौंफ, सौंफ समझते हो आप, वरियाली, यस नाउ यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया ना कि इसको क्या बोलते हैं, वरियाली बोलते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, खाने के बाद में खाते हैं। बहुत से लोग इसको काहे के लिए यूज करते हैं, एज अ माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर के जैसे भी इसको यूज करते हैं, और बहुत से लोग इसको हर खाने के बाद खाते हैं, ताकि उनके जो स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनका माउथ भी फ्रेश रहे। नाउ आई विल शो यू द फेनल। ये स्टूडेंट सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ फेनल, सौंफ है ये, वरियाली, देखो आप पास से देखो, दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, वरियाली है, और इसको कैसे यूज किया जाता है, एज ए माउथ फ्रेशनर, इसको हम हर खाने के बाद में खाते हैं, और इसको हम, इससे हमारा स्टमक भी हेल्दी होता है और हमारा माउथ भी फ्रेश हो जाता है। इसका कलर आप देख रहे हो, ग्रीन कलर है, ग्रीन है, हल्का येलो कलर है, पर एक्चुअली ये कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्पाइस। यस स्टूडेंट, नाउ सी ऑन पेज नंबर 201 द लास्ट स्पाइस इज, आई लुक लाइक अ नेल बट अ बर्ड आई एम, चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई, व्हेन योर टूथ एक मेक यू शाउट, आई सूथ द पेन इन योर माउथ, थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, आई लुक लाइक अ बॉल बर्ड। अभी कैसा दिखता है, ये बर्ड के जैसे, फ्लावर में जो कली होती है ना, ये उसके जैसे दिखता है, चॉकलेट ब्राउन कलर, कलर कौन सा होता है, चॉकलेट का जो कलर होता है ना, चॉकलेट ब्राउन कलर, उसके जैसा होता है, एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल है वाई, अभी जैसे आप इसको बाहर निकालोगे ना, इसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती, खुशबू आती है। जब हमारा दांत दुखता है, मुंह, जब हमारे दांत होते हैं ना, उसमें टूथ एक होता है, मतलब दांत में जब दर्द होता है, और जब हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, मम्मी दांत दुख रहा है, दांत दुख रहा है, तो उस समय क्या होता है, ये हमें क्या करता है, सूथ द पेन इन योर माउथ, हमारे मुंह में इसको अगर हम रख लेते हैं, दांत के ऊपर इसको दबा के रखते हैं ना, तो हमारे दर्द में आराम हो जाता है। थिंक एंड टेल मी, थिंक के, सोच के बताओ आप कि मैं कौन हूँ। नाउ हियर यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाट इट इज, इट इज अ क्लोव्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हो, गुजराती पीपल व्हाट यू कॉल इट, यू कॉल इट लविंग, ये लविंग है, इसको हिंदी में लॉन्ग बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लोव्स बोला जाता है। ये भी आपको आपके मम्मी के किचन में देखने के मिलेगा। नाउ आई विल शो यू दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट, नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इट इज, इट इज अ क्लोव्स, लविंग बोलते हैं ना जिसको आप लोग, ये वो है, देखो यू कैन सी इट, आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, देखो आप, दिस इज अ
क्लोव्स, ये किसके जैसे दिख रहा है? देखो आप फ्लावर के बर्ड के जैसे दिखता है ना। और इसको काहे में यूज किया जाता है? हमारा जब दांत दुखता है ना तो उसमें यूज करते हैं। मम्मी जब कोई भी नॉनवेज सब्जी बनाएगी, बिरयानी बनाते, कुछ बनाते ना, तो उसमें इसको यूज करते हैं। ये काहे के लिए होता है? खुशबू के लिए होता है, और हमारे हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द लास्ट स्पाइस वी हैव रीड। ओके नाउ वी अगेन आई विल गिव यू द स्मॉल रीकैप कि हमने कौन कौन से स्पाइस के बारे में पढ़ा है। ये स्टूडेंट्स सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ चिली, दिस इज टर्मरिक, दिस इज ब्लैक पेपर, नाउ सी एट द डाउन, दिस इज क्यूमिन, दिस इज फेनल। फेनल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सौंफ बोलते हैं, वरियाली बोलते हैं। द नेक्स्ट इज क्लोव्स, सो वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस विच वी फाउंड इन अवर हाउस इन द किचन। अभी हमने सारे स्पाइसेस के बारे में पढ़ा और हर स्पाइस हमको हमारे किचन में मिलता है। एंड आई हैव शोन यू द स्पाइस ऑल्सो, मैंने आपको उसका लाइव भी स्पाइसेस को दिखाया है। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड नाइसली, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।